लगातार दो दिनों से हो रही बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बोकारो में बारिश के कारण कई जगह भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो कई जगह घरों में घुटनों से ऊपर तक पानी घुस गया है। बोकारो जिले में बारिश ने कोहराम मचा डाला है। चास के आदर्श कॉलोनी में दो दिनों के भीतर हुई बारिश के कारण बुधवार रात पानी के तेज बहाव के कारण एक मकान ढह गया। समय रहते उस मकान में रहने वाले मकान से निकालकर उन लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया, जिस कारण से उनकी जान बच गई। लोगों की संपत्ति की काफ़ी नुकसान हुई है। वहीं अगर बारिश की स्थिति यूं ही बनी रही तो पूरे चास में यह बरसात तबाही ला सकती है। हम 10 घर से ऊपर ही हैं, नीचे खटाल में धसा है, पानी से धसा, सब सर जाम कर दिया, जोड़िया सब डूब रहा है। कोई सरकार देख भी नहीं करता तो क्या करे, सब किया है, सब कचरा भर भर के सब ईटा पत्थर से जाम कर दिया, सब पानी में चढ़ जा रहा है। जब से हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, उतना तो कहीं पानी नहीं भरता, भरने से भरता था, इतना नहीं भरता था, अभी इतना पानी भर गया है कि मेरा जो सारा महंगा महंगा सामान जो वो सब बर्बाद हो गया। हम लोग तो चलिए इंसान तो निकल सकते हैं, वो तो कहाँ निकाल के लेके जाएंगे, जानवर वाना सब कुछ रखे थे घर में, जंग भर से कमर तक हो गए थे, पानी हो गए थे। बोकारो जिले में बारिश की तबाही से लोग तो परेशान हैं ही, प्रशासन के भी पसीने छूट रहे हैं, जिसके कारण यहां स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। बोकारो से मुखर संवाद के लिए शशिकांत की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।